Hello, 6th class. We were doing chapter number 12, Electricity and Circuits. Till now, we have studied about electric cell. And now, we are going to start with our next topic, that is electric bulb. We use electric bulbs in our bedrooms, kitchens, bathrooms, etc. Electric bulb or torch bulb jo hai, have an outer case made up of glass. उसके बाहर ये जो केस होता है ये किसका बना होता है? ग्लास का. द आउटर केस इज फिक्स्ड विद द मेटालिक बेस. आउटर केस के नीचे ये जगह जो है वहां पर क्या होता है? मेटालिक बेस. ओके, अब डिफरेंस देखते हैं टॉर्च बल्ब और इलेक्ट्रिक बल्ब में. आप ध्यान से अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस ये दिखेगा. द लोअर एंड ऑफ द मेटालिक बॉक्स हैज टू मेटल पीसेस. इन इलेक्ट्रिक बल्ब, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो लोअर केस है, जो नीचे वाला हिस्सा है, वहां पर दो मेटल पीसेस होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, वेयर एज सिर्फ एक ही मेटल पीस होता है टॉर्च बल्ब में. ओके, सो नाउ वी ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक बल्ब को आपने ध्यान से देखा. इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी वायर दिखाई गई है जो कि कॉइल्ड होगी या स्ट्रेट भी हो सकती है. ये वायर जो है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं और ये बनी होती है टंगस्टन की. याद रखिएगा, इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन और इट सर्व एज अ फिलामेंट. यही ग्लो करेगा. इलेक्ट्रिसिटी जब फिलामेंट से पास होगी ये हीट अप होगा और लाइट देना शुरू कर देगा. इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब फर्स्ट इवैक्यूएटेड, पहले उसके अंदर सारी की सारी गैस जो है वो बाहर निकाल दी जाती है, फिर उसमें खुद गैस भरी जाती है जो कि है मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस. इनर्ट गैसेस का मिक्सचर है लाइक आर्गन, नियॉन और नाइट्रोजन. इफ दिस इज नॉट डन, अगर ये ना किया जाए तो फिलामेंट ऑन हीटिंग अप वुड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर एंड बर्न इटसेल्फ. तो क्या करेगा वो फिलामेंट? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा अगर ये फिल्ड ना हुई इनर्ट गैसेस के साथ. तो इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्ट नहीं करती. तो अगर ये इनर्ट गैसेस ना होती, ऑक्सीजन होती, तो फिलामेंट ने उसके साथ रिएक्ट कर जाना था और बर्न कर देना था. फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स. फिलामेंट जो है वो दो थिकर वायर्स के साथ फिक्स्ड होता है. वन वायर टचेज द बॉटम ऑफ द बल्ब. एक वायर जो है वो बॉटम के साथ टच करती है एंड द अदर वायर टचेज द मेटल केसिंग. और दूसरी जो वायर है वो मेटल केसिंग को टच करेगी. दीज वायर्स ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द फिलामेंट. इन वायर्स से सपोर्ट मिलती है फिलामेंट को. बॉटम ऑफ द बल्ब एंड मेटल केसिंग एक्ट एज अ टू टर्मिनल्स. जो ध्यान से देखिएगा, जो बॉटम है ना बल्ब का और जो मेटल केसिंग है, ये दोनों दो टर्मिनल्स की तरह एक्ट करेंगे. एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब जो बॉटम ऑफ बल्ब है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जो मेटल केसिंग है वो नेगेटिव टर्मिनल होगी. ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल. दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ मैनर दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करती. द लोअर एंड ऑफ द मेटल केसिंग इज फिल्ड विद एन इंसुलेटर. इंसुलेटर वो होता है जिससे कभी भी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो, इधर से उधर ना जाए. Now you must be wondering what is the purpose of making two terminals. अब दो terminals बनाने का purpose क्या है? ध्यान से सुनिएगा. When the two terminals are joined, जब दोनों terminals को join किया जाएगा, कौन से two terminals थे? Positive and negative to the electric cell. The electric current flows through the filament. Electric current जो है वो flow करेगा filament से and it glows. और वो क्या करना शुरू कर देगी? वो glow करना शुरू कर देगी. ओके, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अब हम पढ़ेंगे. डू यू नो द रीजन बिहाइंड द ग्लो ऑफ बल्ब? बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है? व्हाट हैपेंस इनसाइड द टॉर्च दैट प्रोड्यूसेस लाइट? क्या होता है टॉर्च के अंदर जिसके कारण लाइट बनती है? एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी कनेक्ट द वायर्स? क्या होता है जब आप दो वायर्स को कनेक्ट करते हैं? समथिंग इज बिहाइंड इट. कोई तो बात है इन सबके पीछे. एज यू नो दैट द टॉर्च नीड्स एनर्जी. टॉर्च को एनर्जी चाहिए और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था? सेल्स. याद करिए, यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन था? सेल था ना. इट मीन्स दैट इट मे बी द एनर्जी दैट प्रोड्यूसेज लाइट. इसी एनर्जी से क्या बन रही है? अब लाइट बन रही है. नाउ इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, What happens when we connect these wires? जब आप इन दो वायर्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? ध्यान से सुनिए.
When we connect the two wires, something flows inside the wires. कुछ wires के बीच में flow करेगा. वो क्या है? That something is current that carries electrical energy. Energy again converts what? It get converted into light and heat energy. When the current flows through the bulb, this current flows from one end of the cell, that is positive side से. Current हमेशा negative side की तरफ जाता है. याद रखिएगा. इसीलिए वी कॉल देम नेगेटिव टर्मिनल एज वेल एज पॉजिटिव टर्मिनल्स. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की. व्हाट हैपेंस व्हेन वी कनेक्ट टू एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू अ बल्ब ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स. जब आपने ये सेल्स को बल्ब के साथ वायर्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया था तो क्या हुआ था? द बल्ब ग्लोज. ऑब्वियसली एक चीज हुई थी, द बल्ब ग्लोज. व्हेन यू फ्लो द करंट फ्रॉम द पॉजिटिव, याद रखना ना, पॉजिटिव बैटरी टू द नेगेटिव ऑफ द टर्मिनल. जब आप नेगेटिव ऑफ द टर्मिनल पे जाते हैं तो आप उसे एक रास्ता दे रहे हैं, आप उसे एक पाथ दे रहे हैं. दिस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. ये रास्ते को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. देखिए, जैसे इधर से इधर फिर इधर, ये जो है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. दस द सेटअप कंसिस्टिंग ऑफ द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिक सेल होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब होगा और इलेक्ट्रिक वायर्स ज्वाइन टुगेदर होंगी इन सच अ वे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके, क्योंकि वो क्लोज्ड लूप है. ये बंद है ना सारा का सारा, जिसमें एक सेल है, एक बल्ब है और वायर्स हैं. क्लोज्ड लूप अगर होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे. इज इट क्लियर? अब आपने क्या करना है टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट लाइट अप करने के लिए? आप क्या कर सकते हैं? आप एक बैटरी लेंगे या एक सेल लेंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने वायर कनेक्ट की होगी. एक बल्ब लेंगे जिसके अपर और लोअर बॉटम के साथ आपने वायर कनेक्ट की होगी. उसके बाद अगर आप ये प्रॉपर वायर्स का कनेक्शन कर देते हैं, बल्ब ग्लो करेगा. अगर एक भी टूटा होगा, लाइक यहां से या यहां पर कनेक्शन नहीं है, या यहां से आपने गलत जोड़ दिया, नेगेटिव को ही जोड़ दिया, पॉजिटिव को जोड़ा ही नहीं, तो भी क्या होने वाला है? बल्ब ग्लो नहीं करेगा. याद रखिएगा. नाउ यू विल फाइंड आउट दैट इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज इन द केस जहां पर सर्किट क्या है? कंप्लीट है, क्लोज्ड लूप है, बंद है सब कुछ. सर्किट कंप्लीट है तभी वो ग्लो करेगा. इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन यू स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब एट होम इट डज नॉट ग्लो. यू मे से कि फिर क्या हुआ? अगर आपने बल्ब ये कनेक्शन सारे कंप्लीट कर दिए फिर भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगी, वो होगा कि द बल्ब हैज फ्यूज्ड. जो बल्ब का ये फिलामेंट है ये टूट चुका है. आप देख सकते हैं अपनी बुक पे, ये फिलामेंट यहां से टूटा हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय नाउ फ्यूज्ड बल्ब? फ्यूज्ड बल्ब क्या होगा? अभी बताया, व्हेन द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. देयर इज अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में ब्रेक आ गई है, इनकम्प्लीट है वो, ओपन है वो. As no electric current can pass through the filament, the bulb does not glow. और उसे हम क्या बोलेंगे? Fused bulb. याद रखिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं फिर? Fused bulb. Okay? I hope so. यहां तक का topic आपको अब clear हो गया होगा.